अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, हया मरियम के पास आएगी और कहेगी कि मरियम तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि तुमने मुझे कहा कि नुरेज बहुत अच्छा लड़का है और बहुत हैंडसम भी है। अब मैं देखूंगी कि अब वो हैंडसम लड़के को तुम कैसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करती है। व्यूवर्स, ये सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगी और मीरब से कहेगी कि मीरब ये क्या कह रही है। लेकिन आप देखेंगे व्यूवर्स की अगली किस्त में माँ बेगम भी मरियम को कहेगी कि मरियम मैंने ये बात तय की है कि आपकी शादी अब नुरेज से हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे व्यूअर्स के डायरेक्टली मरियम इनकार करेगी कि मैं उसे कभी भी शादी नहीं करूंगी और न कर सकती। अगर आपने इस बात की तय की है तो इसको अभी कैंसिल कर दें क्योंकि अगर नुरेज हमारी हया की रिश्ता मनसूख कर सकता है तो हम भी उसके रिश्ता रिजेक्ट कर सकते हैं, तो अभी इसको इनकार कर दें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पहले तो माँ बेगम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी लेकिन आप देखेंगे कि जब मीरब मुर्तसिम खान को राज़ी करेगा कि मेरा मरियम के साथ ये ज्यादती ना करे क्योंकि मरियम खुद ये नहीं चाहती कि मैं नुरेज से शादी करूँ और इसको नुरेज पसंद भी नहीं है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुर्तसिम खान फिर बड़ी बेगम से कहेगा और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगली केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि मलिक ज़ुबैर के सामने अनवर आया जाएगा और जब अनवर जाएगा तो इसके साथ पुलिस भी होंगे। तो अब आप अगली केस में देखेंगे कि मलिक ज़ुबैर जेल जाएगा और मरियम और मलिक ज़ुबैर का रابطہ ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि मरियम मीरब से कहे कि अनस मुझे कॉल नहीं कर रहा, इसका क्या वजह हो सकती है। तो व्यूअर्स, आप बताइए कि अगले किस्त में क्या होगा। अपना राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।